दोस्तों, कोरोना वायरस आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ये बहुत भयंकर तरीके से फैल चुका है और अब इंडिया में भी अपने पांव पसार चुका है। दोस्तों, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। बस दोस्तों, क्या करना है कि आपको सेल्फ केयर करनी है। अगर आपको फील हो रहा है कि आप बीमार हैं, आप सिक हैं, तो दोस्तों घर पर रेस्ट करो और न्यूट्रिशियस फूड खाओ और बहुत ज़्यादा पानी पियो और एक सेपरेट रूम में रहो। और हाँ, सबसे मुद्दे की बात, अपने फैमिली मेंबर्स, अगर आप शादीशुदा हो तो अपनी वाइफ से दूर रहो, बच्चों से दूर रहो, मॉम डैड से दूर रहो। और हाँ, अगर आपकी कोई प्रेमिका है, गर्लफ्रेंड है, तो कृपया दूरियां बना के रखें। दोस्तों, मजाक की बात थी, प्लीज़ दूर रहो। गाइस, जाहिर सी बात है, जिसकी ज़्यादा बड़ी फैमिली होती है तो वॉशरूम को भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, डेडिकेटेड बाथरूम यूज़ करो, उसको कोई यूज़ ना करे। और हाँ, ट्राई करो कि ज़्यादा सरफेस को आप ना छुओ, और अगर छू लिए तो दोस्तों उसे क्लीन कर लो। डिसइंफेक्टेंट बहुत सारे मार्केट्स में, उनको यूज़ करो। और दोस्तों हाँ, जिनसे आप ज़्यादा प्यार करते हो, आप ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो ना, तो उनसे आप बात कर लो। देखो, जाहिर सी बात है, इस कंडीशन में कोई भी डिप्रेशन में चला जाएगा, कुछ उल्टा सीधा करने का मन करेगा, नहीं करने का है ना, जिससे आप ज़्यादा प्यार करते हैं, लाइक मॉम डैड हुए, सबसे अच्छा सॉल्यूशन वही दे सकते हैं आपको। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, उनसे बात करोगे तो हल्कापन महसूस होगा। क्या है कोरोना वायरस, आपको पता है इंडिया की इम्यूनिटी कितनी खतरनाक है, कितने लोग मरे यहाँ से, ज़्यादा 9,000 लोग मरे, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं 3,00,000 से ज़्यादा। बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी यार, आफ्टर ऑल वी आर स्ट्रांग। दोस्तों, अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, मेडिकेशन। हाँ, इंडिया में एक मेडिसिन बहुत जोर शोरों पर कारगर सिद्ध हो रही है, लोगों का ये मानना है, ठीक है। इसका की नाम है SCQ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है। दोस्तों, अब इसके फैक्ट की बात करें, US में इसका क्या फैक्ट है और इंडिया में क्या फैक्ट है। बहुत सारे डॉक्टर हमारे इंडिया में प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि आप विटामिन B12, कोबालेमिन, विटामिन सी की गोलियां और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाओ, ठीक है। ये इंडिया में लिया जा रहा है, बट दोस्तों मेरा ये कहना नहीं है, कुछ डॉक्टर्स का मानना है, ठीक है। अब US की फैक्ट की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस मेडिसिन को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि FDA ने ये कहा है कि ये वाली जो मेडिसिन है ना, वो केवल मलेरिया और ऑटोइम्यून डिजीज के लिए ली जाती है। बट इंडिया में ये मेडिसिन बहुत पहले से काफ़ी अच्छी कारगर सिद्ध हो रही थी, क्योंकि इंडिया वालों का ये मानना है कि ये वाली मेडिसिन क्या करती है, हमारे सेल की pH को बढ़ा देती है, और जिससे क्या होगा कि फिर सेल क्या हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है, जिससे सेल क्या करेगी, ये वायरस की एंट्री को ब्लॉक कर देगी। दोस्तों, ये इंडिया का मानना है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कोई भी मेडिसिन बिना सोचे समझे मत लो, डॉक्टर्स के ही अकॉर्डिंग लीजिए, ओके। दोस्तों, एट लास्ट मैं यही कहूँगा, स्ट्रॉन्ग बनिए और कॉन्फिडेंट होकर रहिए, कुछ नहीं करेगा ये वायरस आपका। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल ग्रो टैलेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा।